सभी ग्रेजुएट वोटर्स को मेरा आदाब। मैं सभी वोटर्स से मैं विनती करता हूं, आने वाले जून 3 तारीख को ईशान्य वाले का जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन होने जा रहे हैं और 3 तारीख को पोलिंग है, हम इतना ही विनती करते हैं सभी हमारे माइनॉरिटी लोगों को, दलित लोगों को, हमारे अल्पसंख्यक लोगों को और बैकवर्ड लोगों को और हमारे सभी धर्म के लोगों को मैं विनती करता हूं, जो चंद्रशेखर बी पाटिल डॉक्टर है, डॉक्टर ने अभी कॉन्टेस्ट किए है ईश्वर वाले का ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से और हमराबाद एक्स अभी प्रेजेंट और एमएलसी है, इसलिए मैं उनसे आप लोगों से विनती करता हूं, आप लोग इंटेलेक्चुअल के लोग रहते, आपको ज्यादा बोलने का हमको उचित नहीं लगते, हम इतना ही रिक्वेस्ट करते, हम अपील करते हैं ऐसे जिला वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी बीदर के वाइस प्रेसिडेंट होते हुए मैं मेरा कर्तव्य है कि आपसे विनती करता हूं, मैं चंद्रशेखर बी पाटिल साहब को अपना कीमती वोट वैल्यूएबल वोट देके उनको प्रचंड बहुमत से जिताना बोल के मैं आप लोगों को विनती करता हूं। आपके कभी सभी समस्या मेजर हमारा सरकार कांग्रेस सरकार माइनॉरिटी के सरकार है, कांग्रेस सरकार दलितों के लिए चिंतन करने का सरकार है, कांग्रेस सरकार आज बसवा कल्याण में अन्न बसवण का नाम पे अनुभव मंडप 650 करोड़ रुपए मंजूर किए है, उसलिए मैं सभी को विनती करते हुए ये सभी मद्देनजर रखते हुए आप लोग डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल जी को वो अपना सीरियल नंबर 2 पे और उनके फुट के सामने बॉक्स में एक रोमन अंक की ऐसा जो एक मेरा उंगली जो बता रहा हूँ ना वैसे ही करना, ये उसको यस बोल के नहीं करना वो रिजेक्ट हो जाएगा, एक नंबर बोल के नहीं लिखना वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसलिए गए टाइम में भी कम से कम 2-3 हजार वोट रिजेक्ट हो गए, उसलिए आप हिसाब से बहुत करेक्टली ये राइट चेयर को राइट पर्सन डॉक्टर चंद्रशेखर पाटले उनको चुन के लाना बोल के मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सभी को आदाब नमस्कार।